सिनेमा करोगी या कोई अलग किस्म की दर्शकों के सामने फिल्म लाओगे? तो हमेशा कॉमेडी फिल्में ही करोगे? हाँ. Not like action movie. मैंने की थी कैश, आपने देखी? नहीं. तो जब मैं करता हूँ आप देखती नहीं? इसके आगे कुछ करोगे? आगे क्या करूँ? सो देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन के किसकी शादी किससे हो रही है. सो आई थिंक एक्चुअली इस फिल्म का नाम कन्फ्यूजन भी रखते तो शायद एप्टी होता. नहीं, मज़ा नहीं, मुश्किल थी. एक सीन था जहाँ पर मैं और अक्षय हम एक क्रोकोडाइल के सामने जाते हैं और जब असली क्रोकोडाइल जब सामने आता है तो काफ़ी फट जाती है. एंड क्योंकि क्रोकोडाइल हमेशा टीवी पे अच्छा लगता है, किताबों में पिक्चर्स में अच्छा लगता है, और इस बात का एहसास होता है कि नहीं यार मैं इतना डरता नहीं हूँ. जेनेलिया को भी इस फिल्म में कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं आप? क्यों? कि इस फिल्म में होनी चाहिए थी कुछ. नहीं, क्यों? ऐसा कुछ नहीं. नहीं नहीं, बिल्कुल. मैसेज? हाँ, अपने हॉस्पिटल टू. सर मैसेज के लिए मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ. नहीं, अपने मैं फिल्म में मैसेज के लिए नहीं करता, एंटरटेनमेंट के लिए करता हूँ. था उनको गलतफहमी हुई थी या कहीं से सुना था कि मैं और अक्षय मिलकर उनकी टांग खींचने वाले हैं, तो मिलने से पहले हमको डरा देते थे कि ए ज़्यादा बात मत कर, मिथुन दा कैसे हैं आप, ए तू 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 ठीक है, तू संभल के रहना, मेरे को बोलना मत ये. तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं जानता हूँ, मैं सब सुन के. तो पहले ही डरा देते कुछ बोलने से पहले. तो मतलब क्यों ऐसा कर रहे हो? नहीं, मैं तुमको पहले डरा रहा हूँ ताकि तुम मेरी टांग खिंचाई ना करो. तो ऐसे थोड़ी टांग खिंचेंगे, लेकिन ऑब्वियसली एक दो दिन बाद हम लोग फिर चल हो गए. सो इट वॉज ऑल गुड फन. म्यूज़िक डायरेक्टर का या गानों का बहुत बड़ा हाथ होता है. अगर दो गाने हिट हो जाए या हमारी भाषा में बोलते अगर चिपक जाए तो फिर फिल्म को ओपनिंग लगना बहुत